सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाले कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मतलब पैरेट कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोग को सेम ऐसा फोटो एडिट करना सिखा दूंगा। और गाइस, ये मेरा खुद ही का कॉन्सेप्ट है और ये अलग कॉन्सेप्ट सोचने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया एंड एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब गाइस, कैमरे का सूट नहीं है ये पिक, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से क्लिक कराया फिर बाद में मैंने एडिट करा। मतलब यार, खुद के कॉन्सेप्ट सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। कई बार तो अच्छा एडिट नहीं हो पाता, फिर डिलीट करो, फिर एडिट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। बट गाइस, ऊपर से आप लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या। मतलब गाइस, हम थोड़ी मतलब कोई फेक काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मतलब वो तो फेक काम करते हो और आप उनको कमेंट अच्छा अच्छा करते हो। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप बुरे बुरे मतलब ऐसे कमेंट करते हो ना, मतलब ऐसा दिल सा टूट जाता है। मतलब यार, ऐसा मत करा करो, मतलब आपको तो पता ही यार, मतलब हाँ ये कितना रियलिस्टिक है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्स लाने की कोशिश करते हो और आ जाती है, बट आप लोग मतलब ऐसे बुरे बुरे कमेंट करते, मतलब बेकार सा लगता है। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। और गाइस, मैं आजकल देख रहा हूँ ना कि आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। आप जैसा सपोर्ट मेरे को पहले दे रहे थे, अब प्लीज़ आप लोग वैसी सपोर्ट अभी भी दीजिए। मैं अभी और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊँगा, बट आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कर लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो मेरे को थोड़ा हिम्मत आएगी एंड अच्छे अच्छे और कंटेंट लाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग मैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ कर दिया करो। तो चलिए फटाक से वीडियो करते, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और गाइस, आप लोगों ने मेरे को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर मेरे को फॉलो भी कर लो। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो चलिए फटाक से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को इस पोज में एक फोटो क्लिक करा लेना होगा या फिर आप लोग अपने हिसाब से पोज दे सकते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से क्लिक कराया, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो चलिए फटाक से वीडियो करते स्टार्ट। आप लोग को सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया हूँ। तो गाइस, बैकग्राउंड पीएनजी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से टूल्स वाले आइकन पर जाकर बैकग्राउंड को कर लेना रिसाइज, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, या फिर आप लोग बड़ा बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्रॉप कर लिया है एंड आप लोग को ऐड फोटो पर जाकर अपनी फोटो को ले आना है। तो गाइस, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर लिया था। अगर आप लोग को रिमूव करना नहीं आता तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख के रिमूव कर लीजिएगा। तो गाइस, आप लोग को अपनी फ़ोटो को ऐसा एडजस्ट कर देना कुछ इस टाइप जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग को सेम ऐसा एडजस्ट कर लेना है। एंड आप लोग को यहाँ से इरेज़ टूल्स पर चला जाना है, तो इसकी हार्डनेस को कम कर देना है, ओपेसिटी का आप लोग को कुछ इतना रखना है एंड साइज़ को आप लोग इतना बड़ा कर लीजिएगा। फिर आप लोग को ऐसे पेंड कर देना कुछ इस टाइप से। तो गाइस, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने पेंट कर लिया हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ इसे। एंड डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो पे जाके पीएनजी को ले आना। गाइस, आप लोग को ये पैरेट की पीएनजी को ले आना होगा। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैं ले आऊँ, तो इस वाले पैरेट को आप लोग को यहाँ पर ऐसे लगा देना होगा इसे। और यहाँ पर लगाने के बाद आप लोग क्या करिएगा, इस वाले पैरेट को आप लोग इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इरेज करने के बाद आप लोग को इसे अच्छे से लगा लेना होगा और आप लोग अपने पोजीशन पे लगा सकते हैं। आप लोग को कैसा लगाना है, ठीक है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग इस टाइप से लगा सकते हैं, छोटा बड़ा करके आप लोग को जैसा लगाना है आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा लगाने के बाद आप यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड डन करने के बाद आप लोग को फिर ऐड फोटो पर जाके इसी पीएनजी को फिर ले आना होगा। एंड गाइस, आप लोग को इस पीएनजी को आप यहाँ पे ऐसे लगा देना होगी, या फिर आप लोग ये वाली पैरेट मतलब कोई भी पैरेट को आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप लोग इस पैरेट को ऐसे लगा लीजिएगा और उस पैरेट को वहाँ पे लगा ली, मतलब आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी पैरेट को लगा सकते हैं। मैंने पैरेट की सारी पीएनजी आप लोग को दे दी है, तो आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, ऐड फोटो पर जाके आप लोग को एक पीएनजी और ले आना होगा। इस पीएनजी को आप लोग को यहाँ पे ऐसे लगा देना कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आप लोग लगा लीजिएगा। एंड आप लोग को यहाँ से कर देना होएगा डन। एंड डन करने के बाद आप लोग को फिर पैरेट के पीएनजी को ले आना होएगा। तो गाइस, आप लोग को ये वाली पैरेट को आपको ऐसे यहाँ पे लगा देना होगा, ठीक है, इस टाइप से आप लोग लगा लीजिएगा। और गाइस ना, मैंने मतलब पैरेट आपको दे रखे हैं, आपको जो मर्जी आए आप वो लगा लीजिएगा, ठीक है। इतने सारे पैरेट हैं, आप तीन ठो आप लगा लीजिएगा। एंड आप लोग को यहाँ से डन कर लेना है। एंड डन करने के बाद पिक्सआर्ट का जो भी काम था वो हमारा फाइनल हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ टूल्स पर चला जाता हूँ एंड मैं यहाँ से थ्री डॉट पर टैप करके फ़ोटो को कर लेता हूँ सेव। एंड सेव करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन पर।
सो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से पेंसिल वाला आइकन पे जाना है, यहाँ से आप लोग को टून इमेज ले लेना है। एंड टून इमेज के जो भी एडजस्ट मैंने वो आप लोग देखते जाइए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आप लोग को सेम ऐसा कर लेना है। एंड इस ऐसा करने के बाद आप लोग को मैं बता दूंगा फिर आप लोग को क्या करना है, बट आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को मैं ऐसा सेम एडिट करना सिखा दूंगा। एंड आप लोग को शैडो को इंक्रीज़ करना है एंड आप लोग को इसे थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा एकदम। एंड आप लोग को यहाँ से डन कर लेना। एंड आप लोग को क्या करना है, इस वाले आइकन पे जाना है यहाँ, और इसे आप लोग को ऐसे डिटेल्स ही दे देनी है क्योंकि इससे अच्छी डिटेल पड़ जाती है हमारी फ़ोटो में। तो इन्हें आप लोग को ऐसे बढ़ाता जाना, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कम ज़्यादा ऐसे, और फिर आप लोग को यहाँ से डन कर लेना। और कई लोग मेरे को कह रहे थे भाई आप फेस स्मूथ कहाँ से करते हैं, तो फेस स्मूथ मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, फिर भी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर मैंने कल परसों एक वीडियो अपलोड करा था उसमें भी फेस स्मूथ करना सिखाया था। एंड आप लोग को फिर क्या करना है, यहाँ से जाना है पेंसिल वाला आइकन पे। एंड गाइस आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट टूल्स को ले लेना, आप लोग अपना फेस भी वाइट कर लीजिएगा, अगर आप लोग का ब्लैक है तो आप लोग इस टाइप से वाइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वाइट करने के बाद आप लोग को यहाँ से डन कर लेना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मतलब ऐसा कोई फेक काम नहीं हो रहा गाइस, जो भी एडिट करता हूँ मैं आप लोग को सेम ले आता हूँ। तो देखो आप लोग को यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे जाके यहाँ से आप लोग को ब्रश ले लेना है, एंड आपको अब डॉज वन बना लेना है, ठीक है। तो आपको ऐसे जूम करना है एंड आपको ऐसे डॉज बना लेना है जैसे कि विजय सर की फ़ोटो में रहता है, तो इस टाइप से आप डॉज बना सकते हैं। और गाइस देखो अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्दी ही कैमरा ले लूँगा और फिर आप लोग के और अच्छे अच्छे क्वालिटी में कंटेंट लाऊँगा। फिर भी अभी मैं बहुत भी क्वालिटी का कंटेंट लाने का सोचता हूँ, बट क्या करता हूँ गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, मतलब यार समझ सकते हो आप लोग, फिर भी आप लोग का सपोर्ट नहीं आ रहा, अच्छा बहुत ही मतलब बेकार सा लगता है, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। तो देखो आप लोग कैसे डॉज सा बना लेना है, टी शर्ट पर भी आप लोग ऐसे शर्ट पर बना सकते हैं इस टाइप से। एंड आप लोग को यहाँ से कर लेना होगा डन। तो अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, बढ़िया फेस में क्वालिटी आ गई है। एंड आप लोग को अब क्या करना है, यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे जाके आप लोग को यहाँ से डिटेल्स को दे देना है। एंड डिटेल्स को देने के बाद आप लोग को यहाँ से कर लेना है डन, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं बढ़िया एडिट हो गया है गाइस। आप लोग को क्या करना है, इस वाले आइकन पे जाके फ़ोटो को करना है सेव। सो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारा फोटो पूरा एडिट हो गया एंड गाइस गैलरी में भी सेव हो चुका है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गाइस मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।